अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। हमने उसमें क्या पढ़ा, इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में, आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में, उनके टाइप्स पढ़ी, स्कैन एफ गेट सी एच इनपुट्स की और आउटपुट की हमने पढ़ी। इस तरह टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, कंट्रोल में किसी चीज़ पे, प्रोग्राम में किसी बॉडी पे, किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, स्ट्रक्चर प्रोग्राम का वो ढांचा कहलाता है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, स्टेटमेंट्स को जिसमें कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे? कंट्रोल स्ट्रक्चर अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। भाई किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त जो स्टेटमेंट्स का कंट्रोल किया जाता है उसे कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो डिफाइन करते हैं इसको, कंट्रोल स्ट्रक्चर। अ स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती हैं उन्हें कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जीक्यूट होते वक्त उन्हें कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी यूज टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इनटू अ सिंगल लॉजिक यूनिट। लॉजिकल यूनिट हैज वन एंटिटी पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं इसकी, कंट्रोल स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस। सेकेंडली सिलेक्शन। थर्ड पॉइंट रिपीटिशन और आइट्रेशन, रिपीटिशन रिपीट करना। फोर्थ पे है फंक्शन कॉल, स्टूडेंट्स मोस्टली ये थ्री प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, सीक्वेंस सिलेक्शन रेपिटेशन फंक्शन कॉल। इट इज वेरी स्मॉल यूज, इसका बहुत कम यूज होता है किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का मतलब होता है एक तरतीब में। ठीक है, सीक्वेंस में प्रोग्राम जिस हालत में, जिस स्टेटमेंट्स में लिखा होता है उसी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होने को जो प्रोसेस होता है वो सीक्वेंस प्रोसेस होता है। ठीक है, इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। मीन जिस प्रोग्राम जिस हालत में पहले लिखा होता है उसी हालत में, स्पेसिफाइड हालत में उसको कंट्रोल करना, ठीक है, वो होता है सीक्वेंस। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इन सीक्वेंस द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस द स्टेटमेंट्स
are executed in same order in which they are written. इन सी प्रोग्राम मेन सी प्रोग्राम में जैसे स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, जिस सीक्वेंस में, जिस तरतीब में लिखी होती हैं, उसी अंदाज में एग्जीक्यूट करते हैं एक सीक्वेंस में. सपोज स्टेटमेंट वन, यहां पे स्टेटमेंट पहले है, स्टेटमेंट वन, फिर स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री अप टू सो ऑन स्टेटमेंट एन तक, स्टेटमेंट एन. ठीक है, पहले क्या होगी, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट टू होगी, फिर स्टेटमेंट थ्री होगी, अप टू सो ऑन चलता चलता फिर एंड पे स्टेटमेंट एन तक. ये इस तरह सीक्वेंस में एक तरतीब में एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होना, ये क्या होता है, सीक्वेंस कहलाता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्ट करना, मीन हम कोई भी प्रोग्राम है उसमें से कंडीशंस को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इन सिलेक्शन प्रोसेस सेकंड पॉइंट क्या है, सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होता है, इन अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस. ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है, अ स्ट्रक्चर इन विच स्टेटमेंट्स विच सिलेक्ट द स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस कंडीशंस के तौर पे. सपोज कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इन द स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. स्टेटमेंट या क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड, और इसको इग्नोर कर दिया जाता है व्हेन कंडीशन इज फॉल्स. दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है. ठीक है, सपोज हम कंडीशन को इसका फ्लो चार्ट बना के देखते हैं कैसे होता है फ्लो चार्ट. कंडीशंस दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको प्रिंट कराना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ठीक है, तो इसका ये फ्लो चार्ट है, कंडीशन ऐसे दी होती है. ठीक है, सपोज कंडीशंस दो कंडीशंस हैं, एक ट्रू और एक क्या है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अब दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट वन और सेकेंडली क्या है स्टेटमेंट टू. स्टेटमेंट टू में क्या होगा, ठीक है, अब दो कंडीशन लगाई हैं, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट वन प्रिंट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू प्रिंट होगी. तो ये दो कंडीशंस चेक करने के लिए कंडीशंस का जो है इस्तेमाल होता है इसमें सिलेक्शन का, कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है और कौन सी स्टेटमेंट को इग्नोर कराना होता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कराता है,
सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन क्या होता है, रिपीट करना, बार बार दोहराना स्टेटमेंट्स का, बार बार दोहराना, लूप्स में कर चलना स्टेटमेंट्स का, वो क्या कहलाता है, रेपिटेशन। थर्ड पॉइंट है रेपिटेशन। ठीक है, रिपीट करना किसी भी चीज का, बार बार रिपीट मिलाना, ठीक है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, इट इज आल्सो नोन एज आइटेशन स्ट्रक्चर आर लूप। क्या होता है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन विच स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जो बार बार रिपीटेडली, इट इज आल्सो नोन एज आइट्रेशन, बार दोहराना, आइट्रेशन लूप, ठीक है। इसमें कुछ लूप्स यूज होते हैं, फॉर लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, जो हम आगे पढ़ेंगे लूप, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। ये लूप्स होंगे जो हम यूज करेंगे। तो इसका जो है फ्लो चार्ट वो किस तरह होगा, गिवन कंडीशन है, ठीक है, उसको चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो ये इस तरह कंडीशन है, फ्लो चार्ट इसका लिखते हैं, कैसा है इसका फ्लो चार्ट। कंडीशन दिखी, कंडीशन दो तरह की कंडीशन है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट दोबारा इग्नोर होके वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का जो लूप होता है वो लूप क्या कहलाता है, अगर कंडीशन जो है आपके पास ट्रू आई है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स आई है तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, दोबारा चेक होगी कंडीशंस, फिर आएगी, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो स्किप, फिर चेक होगी कंडीशन। कंडीशन में ये ट्रू और फॉल्स का देखा जाता है कि सपोज अगर आप दो वैल्यूज एंटर कराएं, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज अगर कोई और वैल्यूज है, ये गिवन प्रोग्राम में गिवन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो उनको चेक करके, कंडीशन को चेक करके, लूप्स को चेक करके वो इसमें प्रिंट कराया जाता है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट कराओ आई लव पाकिस्तान, ठीक है, आई लव पाकिस्तान, तो वो स्टेटमेंट इसमें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंडीशन फॉल्स आई है तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी, इग्नोर होके दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये इग्नोर होके दोबारा वापस आएगी, इसको चेक करेंगे, फिर अब आप कोई और, सपोज आप ए लेस देन बी, कोई और ऑपरेटर यूज करते हैं ए लेस देन बी, तो कंडीशन फॉल्स है, अगर ए ग्रेटर देन बी तो कंडीशन ट्रू है, तो ये इस तरह लूप चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल, ये बहुत ही कम यूज होता है प्रोग्राम में, इन सी लैंग्वेज में, तो फंक्शन कॉल का क्या काम है,
ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करना है। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट मूव टू कंट्रोल। फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल को कैसे क्या करते हैं डिफाइन। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट मूव्स टू कंट्रोल अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। मीन ये दूसरे ब्लॉक में कंट्रोल में फंक्शन को उसको कॉल कर देता है, स्टेटमेंट को रिटर्न कर देता है, बैक कर देता है। स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल है, फिर स्टेटमेंट है, फिर दोनों क्या है वो स्टेटमेंट्स उसको, इसका जो फ्लो चार्ट है कुछ इस तरह है। स्टेटमेंट वन, उसके बाद है फंक्शन कॉल, फिर स्टेटमेंट सेकंड है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट वन, ठीक है, उसके बाद है फंक्शन स्टेटमेंट, फिर रिटर्न, चलता चलता रिटर्न है, रिटर्न कमीन है, दोबारा वापिस होना। ये जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये रिटर्न भी और ये स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट फंक्शंस, ये दोनों किसको कॉल करते हैं, फंक्शंस का इस पे ऑपरेट करते हैं। स्टेटमेंट वन आपने प्रिंट करानी है या रिटर्न करना है बैक, तो दो ये फंक्शन कॉल का यूज़ होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल यूज़, वेरी लेस यूज़ ऑफ इन सी लैंग्वेज। ज़्यादातर क्या यूज़ होते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, कंट्रोल स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस और सिलेक्शन और रेपिटेशन। तो अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आगे है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कंडीशंस के तहत सिलेक्शन की जाती है, कौन सी कंडीशन आपने प्रिंट करानी है, कौन सी कंडीशन आपने, कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करानी। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ये पहले मैंने डिस्कस कर दिया है, इसकी कुछ टाइप्स हैं सिलेक्शन को क्या होता है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, अ स्ट्रक्चर इन विच स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द सिलेक्शन ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। और वो कंडीशन कौन सी है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर कंडीशन आपके पास जो आती है ट्रू तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर फॉल्स आई है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर।
टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इफ स्ट्रक्चर, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। सेकेंडली क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड पे क्या है? इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्थ पे क्या है? नेस्टेड स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ पे क्या है? स्विच स्टेटमेंट। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं टाइप्स? इफ स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो ये था आज का टॉपिक। क्या हमने पढ़ा? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद हमने पढ़ा उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन, फंक्शन का वन बाय वन डिस्कस किया। उसके बाद पढ़ा सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है? ये सिलेक्ट करता है किसी भी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में, कि कौन सी कंडीशन आपने किस कंडीशन पे वो प्रिंट करानी है। ट्रू है तो प्रिंट होगी और अगर फॉल्स है तो स्किप हो जाएगी। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।